अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने प्लांट्स गार्डन चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं पैशन फ्लावर पर। इसको पैसी फ्लोरा भी कहते हैं, पैशन भी कहते हैं, और भी काफ़ी सारे नाम है इसका। तो आइए इस पौधे के बारे में जो है वो जानते हैं, किस तरह से जो है वो इसको हम ग्रो कर सकते हैं और अपने पास जो है वो सेफ रख सकते हैं इस पौधे को। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है, बहुत खूबसूरत इसका फ्लावर होता है, आप देख सकते हैं। तो देखने में बहुत अच्छा लगता है और इसके फूलों में से जो है वो खुशबू भी आती है। इसके पत्ते काफ़ी बारीक बारीक होते हैं और देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, और मीठी मीठी इसके अंदर से जो है वो खुशबू भी निकलती है, जो कि हमारे घर को, हमारे गार्डन को खुशबू से महका देती है। तो बहुत अच्छा पौधा है, तो नर्सरी से जाके आप भी ला सकते हैं, या आप घर में भी इसको जो है वो कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। तो जानते हैं किस तरह से जो है वो उसको ग्रो करते हैं। ये दो तीन तरीक़ों से ग्रो हो जाता है, एक तो बीज से और एक कटिंग से, और एक ये पॉट लेयर से जो है वो ग्रो हो जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं इसको बीज के थ्रू किस तरह से ग्रो करते हैं। तो जिस तरह आम बीज लगाते हैं हम गर्मियों वाले फूलों के, तो इसी तरह जो है वो इसके भी बीज लगाए जाते हैं। तो जितना मोटा बीज होता है उतनी मिट्टी के अंदर उसको जो है वो दबाना होता है। तो मिट्टी आप कोई सी भी ले सकते हैं, जो आपके पास मिट्टी हो आप वो मिट्टी ले सकते हैं, लेकिन वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, उसके अंदर पानी ज़रा से दे जो है खड़ा ना रह पाए। तो मिट्टी आपने वेल ड्रेन लेनी है इसके लिए, और बीज को आपने लगा देना है। तो इसके बीज जो है वो फरवरी में लगाए जाते हैं, तो फरवरी मार्च में आप जो है वो इसके बीज लगा सकते हैं। तो उस दौरान जो है वो उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, बीज से पौधा बन जाएगा, लेकिन फ्लावर आने में थोड़ा सा जो है वो टाइम लगता है इसको, क्योंकि जब पौधा हेल्दी होगा, बड़ा होगा, तभी जो है वो फूल दे पाएगा, तभी फ्लावरिंग कर पाएगा ये। और इसके अंदर फ्रूट भी लगता है, तो फ्रूट भी खाया जाता है इसका, तो फ्रूट के अंदर ही जो है वो उसके बीज बन जाते हैं। तो अब जानते हैं कटिंग के थ्रू किस तरह से जो है वो उसको ग्रो किया जाता है। तो थिक ब्रांच आपने जो है वो 4 से 5 इंच की जो है उसकी कलम ले लेनी है, थिक वाली, मोटी ब्रांच जो होती है वो आपने ले लेनी है। और उसको ओनली मिट्टी के अंदर आपने लगाना, कोई खाद वगैरह उसके अंदर मिक्स नहीं हो। तो उस मिट्टी में आपने जो है उस कलम को लगा देना है, और शेडी एरिया में आपने रख देना है, धूप में नहीं रखना। तो महीने या 1.5 महीने में इसकी जो है वो ग्रोथ शुरू हो जाएगी, तो आप इसको फिर जो धूप में रख सकते हैं। और उसको पॉट लेयर किस तरह किया जाता है वो भी जान लेते हैं। तो इसके लिए गमला लेना है आपने, गमले के अंदर मिट्टी भर लेनी है ऊपर तक, और इसको आपने, इसकी जो ब्रांच होती है वो आपने मिट्टी के साथ टच करनी है, जहाँ नोड एरिया होता है, जहाँ पत्ते की ग्रोथ होती है, वो वहाँ से पत्ते को हटा के आपने वो हिस्सा मिट्टी के अंदर दबा देना है आपने, और ऊपर से जो है वो कोई चीज़ रख देनी है ताकि ब्रांच जो है वो बाहर ना निकल जाए। तो हफ्ते में, 2 हफ्ते में इसकी जो है वहाँ से रूटिंग शुरू हो जाएगी, और फिर आप जो है वो ब्रांच को काट के अलग पौधा बना सकते हैं। तो बात करते हैं इसकी मिट्टी की, किस तरह की जो है वो मिट्टी होनी चाहिए इसके लिए। तो मिट्टी आपने जो है वो उसके लिए वेल ड्रेन लेनी है, वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, और थोड़ी सी जो है वो एसिडिक मिट्टी होनी चाहिए। इसको थोड़ी सी एसिडिक मिट्टी जो है वो पसंद होती है, जिस तरह से गुलाब को, एक्जोरा को और गार्डनिया के पौधे को पसंद होती है, इसी तरह जो है वो इसको भी जो है पसंद होती है थोड़ी सी एसिडिक मिट्टी। तो एसिडिक मिट्टी आपने कौन सी लेनी है, आप जो है वो रेत ले सकते हैं, जो हम घर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, रेत आप जो है वो ले सकते हैं थोड़ी सी, तो वो मिक्स कर सकते हैं आप। वो वेल ड्रेन भी होती है, पानी को जो है वो फ़ौरन से ड्रेन कर देती है, तो वो मिट्टी बहुत अच्छी होती है। तो एसिडिक मिट्टी आपने जो है उसके लिए थोड़ी सी इस्तेमाल करनी है। तो अब बात करते हैं इसकी केयर की, किस तरह से जो है उसकी केयर की जाती है। धूप पर बात करते हैं, कितनी धूप इसको देनी है। तो ये फुल धूप का पौधा है, इसको फुल धूप में रखना है आपने, समर प्लांट है, तो फुल धूप में रखेंगे तभी फ्लावरिंग अच्छी कर पाएगा, ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। धूप कम देंगे तो फिर फ्लावरिंग पर जो है वो असर पड़ेगा, फ्लावरिंग जो है वो कम करने लग जाएगा ये। कम से कम आपने इसको 6 से 7 घंटे की धूप डायरेक्ट देनी है, और आपने बस मई और जून की गर्मी से इसको बचाना है, उस दौरान आपने जो है उसको शेडी एरिया में रख देना है, तेज़ धूप से आपने इसको बचाना है। और पानी पे बात करते हैं, कितना पानी इसको देना चाहिए। तो पानी इसको जो है वो जब ऊपर का सरफेस एरिया ड्राई होने लगा तब आप इसको पानी दें, वरना इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी ज़्यादा सूखे ना, मतलब मिट्टी जो है वो नम रहनी चाहिए, मिट्टी ज़्यादा सूखी भी नहीं हो और ज़्यादा गीली भी नहीं हो, बस जो है वो नमी बनी रहनी चाहिए मिट्टी के अंदर, तो उस तरह की मिट्टी जो है वो उसको पसंद होती है। और इसको ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, ज़्यादा पानी देंगे तो ये गल सकता है पौधा, क्योंकि ज़्यादा पानी ये पसंद नहीं करता है। बस ऊपर का जब सरफेस एरिया ड्राई होने लगा हल्का हल्का, तब आप इसको जो है वो पानी दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, कौन सा फर्टिलाइज़र इसके अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। फर्टिलाइज़र आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे, जो आपको अच्छा लगे फर्टिलाइज़र। अगर आप ऑर्गेनिक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक के अंदर आप काव डंग इस्तेमाल कर सकते हैं, लीफ कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, किचन बेस्ड कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप केमिकल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो केमिकल के अंदर आप DAP, NPK, यूरिया इसका इस्तेमाल आप जो है वो कर सकते हैं। NPK आपने बैलेंस डाइट लेनी है, तो जितने इसका आपका गमला उतने दाने आपने DAP के या NPK के डाल देना है। अगर ऑर्गेनिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक का आपने 12 इंच के गमले में सिर्फ एक मुट्ठी इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा नहीं। खाद इस्तेमाल करके हल्की हल्की सी जो है ऊपर से गोडी कर दें, मिट्टी के साथ थोड़ा सा मिक्स कर दें उसको, फिर जो है वो पानी ऐड कर दें।
तो बात करते हैं इसकी प्रूनिंग पर, के इसको प्रून करना चाहिए या नहीं। तो ये एक बेल होती है, इसको प्रून करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस जहाँ इसको सहारा मिलता है वहाँ जो है ये ट्विस्ट होती है ऊपर चढ़ जाती है। तो इसके अंदर से जो है वो लंबी लंबी से तारे भी निकलती हैं, जिस तरह खरबूजे में तरबूज में निकलती हैं बेल में साइड से जो है तारे निकलती हैं, इसी तरह जो है वो इसके अंदर से भी तारे निकलती हैं कि उसकी मदद से जो है वो ये ऊपर ट्विस्ट होती हुई चढ़ जाती है। इसको प्रून करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रून करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप सोच रहे हो कि अगर इसको प्रून करें तो ज़्यादा फ्लावरिंग करेगी ये बेल, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप इसको प्रून नहीं भी करते हैं तब भी ये फ्लावरिंग अच्छी करेगी, अगर इसको क्लाइमेट अच्छा मिलेगा तो। अगर आपका पौधा जो है वो डी शेप हो रहा हो तो आप इसकी ब्रांचेस को जो है वो काट सकते हैं, वरना इसको प्रून करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये बेल होती है, जहाँ जा रही है आप इसको जो है वो जाने दें। तो जब इसका फ्लावर सूख जाए तो आप इसको जो है वो कट कर सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर से बीज बनाने हैं तो छोड़ सकते हैं आप इसका फ्लावर, इसके अंदर से जो वो फ्रूट बनेगा, फ्रूट के अंदर से फिर जो है वो बीज निकाल सकते हैं आप। तो इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारे कलर आपको मिल जाएंगे, ब्लू मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा, वाइट मिल जाएगा, और भी काफ़ी सारे कलर्स के मिल जाते हैं मल्टी शेड में। तो नर्सरी पे जाएंगे तो आपको जो है वो नर्सरी पे काफ़ी सारे जो है वो कलर्स के मिल जाएंगे, लेकिन आपको लोकल नर्सरी पे नहीं मिलेंगे, जो बड़ी नर्सरियाँ होंगी वहीं पर आपको जो है वो उसके कलर मुख्तलिफ़ कलर में आपको मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं गमले की, कितना बड़ा गमला इसको देना चाहिए। तो गमला आप जो है वो इसको 12 इंच से कम ना दे तो अच्छा है, 12 इंच से बड़ा ही देना चाहिए इसको वैसे गमला, क्योंकि ये एक बेल बन जाती है। तो बेल वाले पौधों को जो है वो ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा उसकी ऊपर से ग्रोथ होती है उतनी ज़्यादा जो है वो नीचे से भी होती है। तो उनको जो है वो बड़े गमले में लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक परमानेंट बेल होती है, सीजनल तो नहीं होती है, परमानेंट होती है। तो इस वजह से इसको बड़ी स्पेस में लगाएंगे तो ये अच्छी ग्रोथ कर पाएगी। 12 इंच का दे सकते हैं, 12 इंच से आपने कम नहीं देना है इसको, अगर 12 इंच से बड़ा देते हैं तो और अच्छा होगा, और अच्छी ग्रोथ करेगा, फ्लावरिंग ज़्यादा करेगा, बुशी होगा। और सर्दियों में इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, डोरमेंट में चला जाता है पौधा, सर्दियों में इसकी ग्रोथ नहीं होती है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, फ्लावरिंग नहीं करता है, ये सो जाता है पौधा। तो उस दौरान आपने इसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, बस पानी पे फोकस रखना है, जब इसका ड्राई होने लगे ऊपर का सरफेस एरिया तभी इसको पानी देना है, वरना इसको पानी ऐड नहीं करना सर्दियों के मौसम में, नहीं तो ये पौधा आपका गल सकता है। और कोई फर्टिलाइज़र वगैरह इसको नहीं देना, क्योंकि ये सोरा होता है, फर्टिलाइज़र ये नहीं ले पाएगा। तो अगर आप इसको खाद देते रहेंगे, खाना ऐड करते रहेंगे, तो फिर ये पौधा जो है वो मर सकता है आपका। तो सर्दियों के मौसम में आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, जैसे रखा हुआ है वैसे रखे रहने देना, आपने जहाँ रखा हुआ है वहीं रखे रहने दें, बस जो है वो उसको पानी के ऊपर फोकस रखना है, बस जब सरफेस एरिया ड्राई होने लगे तब आप इसको जो है वो पानी दें, वरना इसको पानी ना दें। और सर्दियों में आपने इसको फुल धूप में रख देना है, कोई ग्रीन नेट के नीचे इसको नहीं रखना है आपने, फुल धूप में आपने इसको जो है वो रख देना है। और इसके ऊपर जो है वो कीड़ों का हमला भी होता है, जैसे कि एफिड्स हो गए, वाइट फ्लाई हो गए, माइट्स हो गए, तो इस तरह के जो है कीड़े इसके ऊपर जो है वो हमला करते हैं। तो उसके लिए जो है आप इसके अंदर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, अगर कीड़ों का शुरुआत हो रहा है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन अगर कीड़े लग चुके हैं, ज़्यादा तादाद बढ़ गई है, तो आपको केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा लाजमी, क्योंकि उसके बगैर जो है वो फिर पौधा आपका जो है वो रिकवर नहीं हो पाएगा, कीड़े जो है वो आपका पौधा मार देंगे। तो केमिकल का स्प्रे जो है करना ज़रूरी होगा अगर कीड़ों का इसके ऊपर ज़्यादा हमला हो गया है तो। वैसे तो शुरुआत से ही आप इसके ऊपर जो है वो हर हफ्ते नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें तो अच्छा रहता है, कीड़े जो है वो अटैक नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते, जैसे आप भूल जाते हैं, तो अगर कीड़ों का हमला हो जाता है तो आपको स्प्रे जो है वो करना पड़ेगा केमिकल। आप कोई भी केमिकल स्प्रे जो है वो बाज़ार से ला सकते हैं, जो भी कीड़े आपके पौधे पे लगे हैं उसकी तस्वीर ले जाएं, और बाज़ार में जाके गार्डनिंग शॉप पर या नर्सरी पे जाके आप इसकी तस्वीर दिखाएं, तो आपको उस हिसाब से जो भी कीड़े लगे हुए होंगे उस हिसाब से जो है आपको पेस्ट कंट्रोल जो है वो दे देगा। तो बस ये इसकी चंद केयर थी, यही चंद टिप्स थी जो मैंने आपको बताई हैं, इस पर अमल करेंगे तो आपके पास भी आसानी पौधा ग्रो हो सकता है। तो बस यही आज की मेरी वीडियो थी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाता रहूं, और इसी तरह के पौधे आप अपने घर में लगाएं खुशबू वाले, ताकि आपके घर को जो वो खूबसूरती से बढ़ा दें और खुशबू से भी जो है वो महका दें। तो मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।